हाउ आर यू? आज क्या पढ़ेंगे? रेनबो। क्लास 3 की अंग्रेजी की किताब का क्या नाम है? रेनबो। रेनबो माने क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा कभी? बरसात में निकलता है आसमान में रंगीन सा, देखा है? उसको क्या कहते हैं? रेनबो। हम लोग ABCD जानते हैं। सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? ए, फिर बी, फिर सी, फिर अच्छा जेड तक सभी लोग जानते हैं। आप देखो किताब में लिखा हुआ है ए, ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी अक्षरों को स्वर कहते हैं। स्वर क्या कहते हैं? स्वर, या अंग्रेजी में कहते हैं वॉवल्स। ये जो 5 अक्षर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे साथ बोलो सभी लोग, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 अक्षर हैं इनको हम कहते हैं स्वर, और बाकी के जो 21 अक्षर हैं उनको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? स्वर हिंदी में भी होते हैं। कौन से वाले? अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ। ये सभी अक्षरों को कहते हैं हिंदी भाषा के स्वर, और ए, ई, आई, ओ, यू इनको कहते हैं अंग्रेजी भाषा के स्वर। ये स्वर क्यों जरूरी होते हैं? इनसे शब्द बनता है। जैसे हमको लिखना है दीपा, दीपा में क्या करेंगे हम? आरपी बताओगे क्या करेंगे? दा दवात बनाएंगे, फिर है बताइए, फिर क्या करेंगे? दा दवात बना दिया हमने, फिर बड़ी की मात्रा लगा दी, फिर पा पतंग बनाया, फिर आ का डंडा लगाया। तो जब तक हम बड़ी ई की मात्रा और आ का डंडा नहीं लगाते हैं तब तक हमारी हम लिख नहीं पाएंगे दीपा। लिख पाएंगे क्या? लिखेंगे द प द प। द और प कोई मतलब नहीं होता है, तो हमको क्या करना है? आरपी लिखना है। तो बड़ा आ बनाएंगे, रा बनाएंगे, पा बनाएंगे, पा पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी के स्वर बनाते होते हैं। 5 स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हमको एक मीनिंग पता है एप्पल। एप्पल माने क्या होता है? सेब। तो उसमें ए लिखा जाता है और ए की आवाज आती है एप्पल। ऐसे ही ए की हिंदी जो भाषा का ए लिखा जाता है उसकी आवाज, अंग्रेजी भाषा का जो ए लिखा जाता है उसकी आवाज हिंदी भाषा के ए से एड़ी, इससे मिलती जुलती होती है। अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना एक नया पाठ, उसमें ए भी लिखा होगा और उसको कैसे बोला जाएगा। साउंड वन, पहली साउंड काहे की होती है? ए की। ए की जो आवाज है वो हिंदी भाषा की ए की तरह आती है। देखो पहला अक्षर क्या लिखा है? यम, ए, टी, इसको बोलेंगे मैट। फिर से बोलो, एम, ए, टी, मैट। मैट माने चटाई। सी, ए, पी, कैप। कैप मीन्स टोपी। वी, ए,
एन वैन, वैन माने गाड़ी। अगला नीचे देखो टी ए पी टेप, टेप माने होता है नल, टैप माने नल। एम ए एन मैन, मैन माने आदमी। सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली। अब इसको दोबारा से पढ़ जाओ, मैट कैप वैन टैप मैन कैट। अब नई लाइन से ए एन एन एफ ए एन, इसको पढ़ेंगे फैन, उसके आगे वैन मैन पैन। ए पी एप कैप टैप मैप लैप, जो एल ए पी लिखा है उसको बोला जाएगा लैप। ए टी एट, सबसे नीचे वाली लाइन देखना, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, आर ए टी रैट। बैट माने बल्ला, कैट माने बिल्ली, हैट माने टोपी और रैट माने चूहा। अब नई लाइन वाली पढ़ो, सैम इज ए मैन, ही हैज ए वैन। जो लाल रंग में लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ना है। पहली लाइन है सैम इज ए मैन, ही हैज ए वैन, द वैन द वैन हैज ए कैन। अगला है नीला वाला पढ़ो, आई एम ए रैट, आई हैव ए हैट। तो नीले रंग में लिखी लाइनें वो पढ़नी है, आई सैट ऑन ए मैट। अगले पन्ना पलटिए, ए कैट सैट ऑन द मैट। चित्र में देखो एक चटाई पर कौन बैठी है, बिल्ली। बिल्ली को कहते हैं कैट, चटाई को कहते हैं मैट। तो कैट कहाँ बैठी है, मैट के ऊपर। द वैन द मैन इज इन द वैन, आदमी कहाँ पर है, गाड़ी में। आदमी कहते हैं मैन और गाड़ी को कहते हैं वैन। और मैन कहाँ पर है, वैन में, कहाँ पर है। अगला ए रैट इज ऑन द बैट, चूहा कहाँ पर है, बैट पे। चूहा को कहते हैं रैट और चूहा पहुँच गया कहाँ पर, ऊपर के बैट। चूहा किसके ऊपर बैठा, बैट के ऊपर। अब इनको मिलाना है, नीचे वाली नीली वाली लाइन को लाल वाली लाइन से। एफ ए एन, तो उसके सामने लिखा है वी ए एन, ऐसे टी ए पी, बाद में एक सी ए पी लिखा है, ए पी जहाँ लिखा है उससे मिला दो। टैप कैप,
BAG बैग, TAG टैग, इसको मिला दिया। BAT बैट, उसको मिलाएंगे किससे? रैट से, रैट और बैट। अब इसमें खाली जगह भरनी है। सबसे नीचे सैम इज ए मैन, सैम कौन है? एक आदमी है, और आदमी को क्या कहते हैं? मैन। द वैन हैज ए टैन, TAN, फैन, फैन होगा इसमें। वैन हैज ए फैन, गाड़ी में देखा है पंखे लगे होते हैं छोटे छोटे, देखे हैं पंखे को क्या कहते हैं? फैन। क्या कहते हैं? फैन। IMA किताब में लिखा था IMA रैट। अच्छा, कैट इज ऑन द मैट, कैट कहाँ पर है? चटाई पर। अच्छा, अब ये देखो इसमें से मिलाना है इनको, अक्षर उल्टे सीधे करके लिखे हुए हैं। कैसे मिलाना है? जैसे एक लिखा है इन्होंने NAV, तो इसको हम बना देंगे VAN। क्या बनाएंगे? और ये हो जाएगा TAM, FAN और SAT सेट, TAP टैप, और ये हो जाएगा MAN मैन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल, गेट नोटिफाई ऑल नोटिफिकेशन इनेबल्ड, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।